हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत फोर्ज की। और इस स्टॉक पे नए टारगेट भी निकल कर आ रहे हैं। एमके ग्लोबल इस स्टॉक पे बहुत ही ब्यूलिश दिख रहे हैं और 920 के टारगेट सुजेस्ट कर रहे हैं। आज हम इसी कंपनी के सारे फंडामेंटल जानेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम में इस कंपनी के बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स किस तरह के रह सकते हैं और इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह की निकल कर आ रही है। सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के लेटेस्ट टारगेट और टाइम पीरियड जान लेते हैं। द एमके ग्लोबल हैज़ गिवन ए बाई कॉल ऑन द भारत फोर्ज विद ए टारगेट प्राइस ऑफ ₹920 फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए इस स्टॉक पे बहुत ही पॉजिटिव जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं। आइए सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस जान लेते हैं। तो दिस इज ए लार्ज कैप कंपनी विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹34,500 करोड्स। एंड दिस कंपनी वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1961 एंड दिस कंपनी इज ऑपरेटिंग इन द ऑटो एंसिलरी सेक्टर। तो ये जो कंपनी है डिफरेंट ऑटो पार्ट्स को बनाने का काम करती है। अब हम लेटेस्ट क्वार्टर में इस कंपनी के फाइनेंशियल जान लेते हैं। फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन द 30 जून 2021, द कंपनीज कंसोलिडेटेड टोटल इनकम हैज़ बिन रिपोर्टेड एज ₹2,148 करोड़ एंड इट हैज़ बिन फाउंड टू बी नियरली फ्लैट ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बट दिस इनकम हैज़ बिन इंक्रीज बाई नियरली 80% ऑन ए जीयर ऑन जीयर बेसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन ओवरऑल इस कंपनी की जीयर ऑन जीयर बेसिस पे ग्रोथ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आ रही है। द कंपनी हैज ऑल्सो रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹161 करोड़ इन द लेटेस्ट क्वार्टर। तो लेटेस्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने बहुत ही बढ़िया मुनाफा भी कमाया हुआ है। अब हम इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट रैशनल जान लेते हैं। द पॉजिटिव व्यू ऑन द भारत फोर्ज इज अंडरपिन्ड बाई इट्स लीडरशिप पोजिशन इन द ऑटोमेटिव फॉर्जिंग्स, फोकस ऑन द डिवर्सिफिकेशन एंड एन एक्सपेक्टेड रिकवरी इन द कोर सेगमेंट्स। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी की बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ग्रोथ देखी जा रही है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो लीडरशिप पोजीशन में निकल कर आ रही है और ऑटोमेटिव फोर्जिंग्स में इस कंपनी की लीडरशिप जो है वो निकल कर आ रही है। सेकेंडली, इट इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन द डिवर्सिफिकेशन एंड थर्ड वन इज इट इज़ ऑल्सो शोइंग रिकवरी इन द कोर सेगमेंट्स। Therefore, the brokerage is very, very bullish on this stock and it has given a target price of ₹920 based on 27x P on E for the standalone business on September 20 and EPS. तो बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जो प्रमोटर्स हैं दे आर होल्डिंग नियरली 44.8% स्टेक इन दिस कंपनी एज ऑन जून 30, 2021। FIIs आर होल्डिंग नियरली 25.3% स्टेक इन दिस कंपनी, DIIs आर होल्डिंग 12.1% स्टेक इन दिस कंपनी एंड पब्लिक एंड अदर्स आर होल्डिंग नियरली 17.8% स्टेक इन दिस कंपनी। तो बहुत ही मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है। तो आप देख सकते हो इस कंपनी की आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम इस स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहले एक दिन की प्राइस देख लेते हैं। तो एक दिन में इस स्टॉक में 1.06% की करेक्शन देखने को मिली है और ये जो स्टॉक है 733.15 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। यदि हम इस कंपनी की पास्ट 5 डे की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर भी बहुत ही बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है और लास्ट 5 डे में इस स्टॉक में नियरली 9.74% की करेक्शन देखने को मिल रही है। यदि लास्ट 1 मंथ का डाटा देखें तो यहाँ पे भी 6.45% की अराउंड करेक्शन देखने को मिल रही है। यदि हम इसका सपोर्ट लेवल ढूंढें तो जो अपर सपोर्ट लेवल है वो 750 पे निकल कर आ रहा है और जो लोअर सपोर्ट लेवल है दैट इज़ नियरली 720। तो ये इसके दो सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं 720 और 750। अब हम इस कंपनी की लास्ट 6 मंथ की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव 20.18% के रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं और इसका जो चार्ट पैटर्न है ये भी पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो शो कर रहा है। यदि हम इस कंपनी की 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे 46.88% के अराउंड रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यदि हम इस कंपनी की लास्ट 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे 71.03% के अराउंड रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं।
पहले आप देख सकते हो इस स्टॉक में अप ट्रेंड देखा जा रहा है, फिर इस स्टॉक में कंसोलिडेशन भी आई थी और 2020 में इस स्टॉक ने अपना लोएस्ट लेवल भी लगाया था, दैट वाज नियरली 200। लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यूसली पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है और बहुत ही ब्यूलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यदि हम इस कंपनी का मैक्सिमम डाटा देखें तो यहाँ पे 10,777% के राउंड रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में बड़ी बड़ी करेक्शंस भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन करेक्शंस के बाद इस स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिली है। अब हम इस कंपनी के थोड़े और डिटेल जानेंगे। सबसे पहले इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करेंगे, क्योंकि यदि कोई भी कंपनी जो है वो अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करती है, यदि कोई कंपनी कंटिन्यूसली अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देती है तो इस कंपनी के आने वाले टाइम में बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ निकल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम इस कंपनी का रेवेन्यू चेक करेंगे और इस कंपनी की पहले वॉल्यूम का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले कल का डाटा देख लेते हैं। द क्वांटिटी ट्रेडर वाज 29 लाख एंड नियरली 12 लाख की डिलीवरी निकल कर आ रही है। तो आप यहां पे देख सकते हो नियरली 12.49% के राउंड इस स्टॉक में जो है वो डिलीवरी निकल कर आ रही है। यदि 1 वीक का एवरेज डाटा देखें तो नियरली 40% के राउंड जो डिलीवरी है वो निकल कर आ रही है, 12 लाख की डिलीवरी निकल कर आ रही है एवरेज बेसिस पे। यदि 1 मंथ का डाटा देखें तो 27.56% की डिलीवरी निकल कर आ रही है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव डाटा देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हो इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया माल उठाया जा रहा है। अब हम इस कंपनी की जो डिटेल है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो चेक करेंगे और देखेंगे कि क्वार्टरली बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी का डाटा किस तरह का निकल कर आ रहा है। पहले हम इस कंपनी का क्वार्टरली डाटा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू का पैटर्न है बहुत ही लीनियर, बहुत ही कंटिन्यूस ग्रोथ शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो के जून 20 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था दैट वाज नियरली 1154 करोड़, और आप देख सकते हो सितंबर 20 में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 1376 करोड़ हो गया है। दिसंबर 20 में ये फिर बढ़ गया है और आप देख सकते हो 1723 करोड़ हो गया है। मार्च 21 में इस कंपनी के रेवेन्यू में फिर ग्रोथ देखने को मिली है और 2082 करोड़ हो गया है, और मार्च जून 21 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ के 2107 करोड़ हो गया है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लीनियर ग्रोथ देखने को मिल रही है और इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। यदि हम नेट प्रॉफिट का डाटा देखें तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो जो जून 20 में उसमें इस कंपनी का जो रेवेन्यू था दैट वाज नेगेटिव, और जून 21 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के 161 करोड़ हो गया है और पॉजिटिव हो गया है। ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हो बहुत ही मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आ रहा है। प्रमोटर्स के पास 44.76% स्टेक है, FIIs आर होल्डिंग नियरली 25.3% स्टेक, DIIs आर होल्डिंग 12.29% स्टेक एंड पब्लिक इज होल्डिंग नियरली 17.64% स्टेक इन दिस कंपनी। यदि हम इसका ट्रेंड देखें तो पहले प्रमोटर्स का ट्रेंड देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स ने अपना जो स्टेक है वो ऑफलोड किया हुआ है। यदि हम FIIs का डाटा देखें तो FIIs इस कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं इन द लास्ट 1 ईयर फ्रॉम 22.13% इन द जून 20 टू 25.3% इन द जून 21। तो यदि हम DIIs का डाटा देखें तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 15.26% स्टेक था DIIs का इन द जून 20, और जून 21 में ये रिड्यूस होकर 12.29% हो गया है। यदि पब्लिक का डाटा देखें तो यहाँ पे भी नियरली पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इन ओवरऑल ये जो कंपनी है फंडामेंटली पॉजिटिव कंपनी निकल कर आ रही है, स्ट्रॉन्ग कंपनी निकल कर आ रही है। इसके जो ग्रोथ पैटर्न है ये भी पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, और लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी के जो रेवेन्यू है वो भी ग्रो हो रहा है और इस कंपनी के मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो आने वाले 1 साल में इस कंपनी की बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ देखी जा रही है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये बहुत ही लीडरशिप कंपनी निकल कर आ रही है इन द फॉर्जिंग। तो इसलिए आने वाले टाइम में इस कंपनी की ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव निकल कर आ रही है। दिस इज़ आल्सो वर्किंग ऑन डिवर्सिफिकेशन। ये कंपनी डिवर्सिफिकेशन के साथ काम करती है, इसलिए ये जो कंपनी है आने वाले टाइम में आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दे सकती है। एंड में हम आपका थैंक्स कहते हैं, आपने हमारे वीडियो को सुना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।